दोस्तों आयरलैंड वर्सेस इंडिया का तीसरा T20 मैच 23 अगस्त शाम को 7:30 बजे वही डबलिन स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मैच को ऊपर जो है बात करने वाले हैं कि इसमें आज हमारे लिए बॉलिंग सेक्शन से कितना प्लेयर लेके हमको चलना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन पे सारे अच्छे ऑप्शन है। बुमराह है, हर्षदीप सिंह, मैकार्थी है, रवि बिश्नोई है, कृष्णा है, बहुत सारे बॉलर है। अगर आप सबको लेके चलेंगे तो आपका टीम में 7 से 8 जगह ऐसे ही फुल हो जाएगा, बाकी आप बैट्समैन और ऑलराउंडर को नहीं ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस बॉलर को लेना है, किसको ड्रॉप करना है, क्योंकि ड्रॉप करना भी इसलिए जरूरी है कि हर्षदीप सिंह पिछला बार जैसे था फ्लॉप हो गया, तो आज के वीडियो में बात करेंगे कौन फ्लॉप हो सकता है और साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन का हम चॉइस किसको दे सकते हैं और आज का ट्रम्प कार्ड प्लेयर कौन होगा। अगर आज आप टीम बनाने जाओगे सोचोगे कि जीएल जीतने के लिए हम एक दो रिस्की प्लेयर ले ले, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आज का रिस्की प्लेयर कौन है, क्योंकि यहाँ पर सभी अच्छे प्लेयर भरे पड़े हैं। और क्या पिछला 2 मैच तो इंडिया मैच जीत गई, तो इस बार जो टीम बनेगी कौन सा कॉम्बिनेशन में बनेगा, आयरलैंड का 3 प्लेयर लेके चलना है या 4 प्लेयर लेके चलना है, सभी कुछ यहाँ पर समझते हैं वीडियो में। आपको लाइव टीम बना करके एक एक प्लेयर को लेके दिखाएंगे, कौन लेफ्टी खेलता है, राइटी खेलता है, साथ में कितने नंबर पे खेलने आता है, सभी कुछ डिटेल में बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेन्यू वगैरह पहले देख लेते हैं। तो वेन्यू अगर देखा जाए तो आयरलैंड का देखिए पिछला 2 मैच विन है, 3 मैच लॉस है, इंडिया का 4 मैच विन, 1 मैच लॉस है। और वेन्यू की बात करेंगे तो वेन्यू वही वाला है डबलिन स्टेडियम जहां पर खेला गया था। पिच की बात करें तो बैटिंग पिच है, और यहाँ पर साथ में बात करें गुड फॉर पेसर्स है, यहाँ पेसर्स को काफी हेल्प मिली है, वो तो हम सभी को पता ही है। पिछला हमने 2 मैच लगातार जो देखते आ रहे हैं कि विकेट सभी को एवरेज 1-2 विकेट मिल जा रहे हैं। और वेदर की बात करें तो वेदर ओवर कास्ट रहेगा, बारिश होने के यहाँ पर चांसेस है, ठीक है। और यहाँ पर रिसेंट रिकॉर्ड देखेंगे अगर आप, तो एवरेज 139 का रन आपको दिखेगा, जिसमें से 55 विकेट टोटल यहाँ पर जो है लिए गए थे, ठीक है। 55 में 15 विकेट स्पिनर ने निकाले हैं और 40 विकेट पेसर्स ने, तो स्पिनर ज्यादा नहीं ले रहे हैं, जैसा कि ऑलराउंडर सेक्शन पे डॉकरेल है, आप देख रहे हो स्पिनर है लेकिन पिछले मैचों से एक भी पॉइंट नहीं दे पा रहा है। वाशिंगटन सुंदर भी उतना उसको खेलने का मौका ही नहीं मिला है, पॉइंट का बात छोड़िए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हेड टू हेड का बात करेंगे, तो हेड टू हेड में टोटल 6 मैच है, ठीक है, जिसमें से इंडिया का 6 मैच विन है। जैसा आपने देखा इंडिया बैक टू बैक जीतते आ रही है, तो चलिए देखते हैं आज कौन से हमारा टीम कॉम्बिनेशन में बनेगा। और साथ में टॉप प्लेयर इज एट दिस वेन्यू की बात करें, जो प्लेयर सबसे ज्यादा यहाँ पर विकेट निकाल रहे हैं, जो रिकॉर्ड है, जो बॉलर सबसे ज्यादा विकेट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर जैसा संजू सैमसन है, इसका रिकॉर्ड हम पिछला 2 मैचों से दिखा रहे थे लेकिन नहीं चला था, लेकिन सॉरी पहला मैच में दिखाया नहीं चला, दूसरा में दिखाया चल गया, तीसरा में देखिए क्या होता है। संजू सैमसन का 3 मैच है, एवरेज रन यहाँ पर 39.3 का है और स्ट्राइक रेट 171 का है। वही बालबिरनी का 5 मैच है, ठीक है, और एवरेज रन यहाँ पर 31 का और स्ट्राइक रेट 146 का इनका आपको दिखेगा। और हैरी टेक्टर है, टेक्टर का 5 मैच है और यहाँ पर 31 का एवरेज रन और स्ट्राइक रेट 131 का है। अब बात करते हैं बॉलर के ऊपर कि बॉलर कौन सा होगा, तो बॉलर में बुमराह है, बुमराह को तो सभी लोग लेके जाएंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। वैसे भी बुमराह का 3 मैच है, एवरेज विकेट 2 और इकोनॉमी 4 का। और कृष्णा की बात करें 2 मैच और एवरेज विकेट इनका भी 2 का, इकोनॉमी 7 का। और बिश्नोई का बात करें 3 मैच है, एवरेज विकेट 1 है मैच में, इकोनॉमी 8 का है। तो चलिए अब चलते हैं फाइनल टीम बनाने के ऊपर, देख लेते हैं कौन कौन से आज के हमारे टीम में प्लेयर होने वाले हैं। तो बैटिंग सेक्शन पे संजू सैमसन आपको मिलेंगे, संजू सैमसन राइट हैंड बैट्समैन है, पिछला बार या 3 नंबर पे बैटिंग किए थे, अभी इनको 4 नंबर पे कर दिया गया है, ठीक है। और एल टेकर की बात करें तो टेकर 3 नंबर पे बैटिंग ऑर्डर है इसका, राइट हैंड बैट्समैन है दोनों के दोनों यहाँ पर, संजू सैमसन और टेकर। और साथ में जे शर्मा की बात करें तो जे शर्मा कल के मैच में बाहर रहेगा, नहीं खेलेगा। तो यहाँ पर हम जिसको लेके चलेंगे संजू सैमसन, ठीक है, इसी के साथ सेफ यहाँ से जाएंगे। अब बैटिंग सेक्शन पे पी स्टार्लिंग है, राइट हैंड बैट्समैन, अपने टीम का ओपनर है यह प्लेयर, पहला मैच में चला था, दूसरा में फ्लॉप गया, अब तीसरा में देखिए क्या होता है। और तिलक वर्मा की बात करें, तिलक वर्मा लेफ्ट हैंड बैट्समैन, 3 नंबर पे बैटिंग ऑर्डर है। तो आज का जीएल पिक के लिए अगर आप ट्राई करना चाहो तो तिलक वर्मा को कर सकते हो, पिछला 2 मैचों से फ्लॉप है, हो सकता है कल के मैच में यह चल जाए, ठीक है। और एस टेकर की बात करें, टेकर का 4 नंबर पे बैटिंग ऑर्डर है, राइट हैंड बैट्समैन गायकवाड, गायकवाड जायसवाल के साथ खेलने आता है, ओपनर है, सेकंड डाउन बैटिंग करता है। और बालबिरनी की बात करें, बालबिरनी का भी सेकंड डाउन 2 नंबर पे यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर, राइट हैंड बैट्समैन। यशस्वी जायसवाल ओपनर है अपनी टीम का, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अडायर भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन। यहाँ पर शिवम दुबे का बात करें तो 6 नंबर पे बैटिंग ऑर्डर है, लेकिन शिवम दुबे को आप ना ही ले तो ठीक है, क्योंकि आयरलैंड का जो बॉलर है इंडिया का काफी विकेट नहीं गिरा पा रहा है, जिसकी वजह से शिवम दुबे ये सबको खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा। अगर हाईएस्ट विकेट गिरता है, जैसे पिछला मैच में रिंकू सिंह को खेलने का मौका मिल गया तो इसने खेल लिया, लेकिन शिवम दुबे तक पारी पहुंचा ही नहीं तो खेलेगा कहां से, है ना। तो ज्यादा विकेट नहीं आयरलैंड का बॉलर निकाल पा रहा है, खूब से खूब 3 से 4 विकेट, हार्डली 3 से 4 गिरेगा,
तो आप इतना ही बैट्समैन को रखना कि उसका चार नंबर तक उसको खेलने का मौका मिल जाए, चार से पांच नंबर तक। ठीक है, शिवम दुबे लेफ्ट हैंड बैट्समैन, रिंकू सिंह लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो रिंकू सिंह पिछला मैच खेला है, इस मैच में इसको लिया जाए कि नहीं, तो यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से जो हम प्लेयर लेंगे, गायकवाड़ हो गया हमारा, बालविधनी हो गया, दो प्लेयर हो गया, और एक हमारा यहाँ पर जसवाल तो होगा ही जसवाल, क्योंकि अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं और ये अगर खेल जाता है, अगर ये खेलता है तो बहुत लंबा ही पारी खेलता है, नहीं खेलेगा तो बिल्कुल नहीं खेलेगा। तो अगर इसको छोड़ देते हैं, मान लीजिए दो मैच से फ्लॉप है, अगर कल के मैच में खेल जाता है तो फिर टीम हम लोग एकदम पीछे चला जाएगा, तो इसको लेके चलते हैं। और साथ में एक और प्लेयर आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो तिलक वर्मा या रिंकू सिंह को, और हम यहाँ पर जो है तिलक वर्मा को ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, इंडिया का हमारा चार बैट्समैन यहाँ पर हो गया, आज हम बैट्समैन चार लेके चलेंगे। ऑलराउंडर पे बात करें तो सी चंपर है, कैंपर, कैंपर का 92% सिलेक्शन परसेंटेज, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट जो है बॉलिंग कराता है। डॉकरेल की बात करें, डॉकरेल लेफ्ट आर्म स्लो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, स्पिनर है, मतलब अपने टीम का। वाशिंगटन सुंदर नहीं चल रहा, राइट आर्म मीडियम फास्ट, डेलानी, और यहाँ पर एहसमद है, एहसमद नहीं खेलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा कैंपर ही होगा, कैंपर को हम लेके जा रहे हैं। अब बॉलिंग सेक्शन पे हमारे पांच बॉलर लेने का ऑप्शन बचता है कि पांच बॉलर आज हम ले सकते हैं। तो बुमराह है, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, बहुत फास्ट बॉल डालता है, तो बुमराह को हम ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक आज हम ट्रम्प कार्ड प्लेयर उठाएंगे, जोशुआ लिटिल का 14% सिलेक्शन परसेंटेज है, पिछला दो मैच से लगातार फ्लॉप होते आ रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम जोशुआ लिटिल को ले लेते हैं। जोशुआ लिटिल एक हमारा यहाँ पर रिस्की प्लेयर आज के दिन रहेगा। अर्शदीप सिंह, तो अर्शदीप सिंह को आज के मैच में हम फिर से ड्रॉप करके चलेंगे, इसको हम टीम में नहीं ले रहे हैं। उसके बाद सी यंग है, सी यंग भी हमारा ड्रॉप रहेगा यहाँ पर, सी यंग यह सब राइट है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। उसके बाद पी कृष्णा है, अडायर है, रवि बिश्नोई है। तो यहाँ से जो हमारा प्लेयर होगा फाइनल, ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा मेकार्ती हो गया एक प्लेयर, रवि बिश्नोई दो प्लेयर, एक और हमारा प्लेयर बचता है, हम सी यंग, कृष्णा या फिर अर्शदीप सिंह, इतना हमारे पास ऑप्शन बचा है, हम इसमें से ले सकते हैं, तो हम कृष्णा को ले ले रहे हैं। तो यह हमारा पांच बॉलर हो गया। यहाँ पर हम किसको किसको ड्रॉप किए हैं आज, अर्शदीप सिंह के ऊपर रिस्क लिया है, ठीक है, उसके बाद सी यंग है, उसके बाद नीचे और एक अच्छा प्लेयर हम कोई छोड़े हैं, नहीं छोड़े हैं, ठीक है, बाकी ले लिया, बस दो ही प्लेयर हमारा ड्रॉप है, सी यंग है और अर्शदीप सिंह है। आप चाहो तो एक बैट्समैन कम करके एक बॉलर को बढ़ा सकते हो, हम फिलहाल टीम में इतना ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आयरलैंड का हमारा देखिए यहाँ पर चार प्लेयर है और इंडिया का सात प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, यही कॉम्बिनेशन में हमारा टीम रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा टीम कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए, यहाँ पर संजू सैमसन है विकेट कीपर से, बैटिंग सेक्शन से तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़, बालविधनी, जसवाल, उसके बाद कैंपर है, फिर बुमराह है, लिटिल है बॉलिंग सेक्शन में, उसके बाद कृष्णा और मेकार्ती है, उसके बाद रवि बिश्नोई है। ठीक है, तो इसमें अब बात करेंगे नेक्स्ट फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा, क्योंकि यह सबसे जरूरी है, अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाए तो आपने कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन को बताने से पहले बता दें, या अभी का हमने फाइनल टीम जो है डिक्लेयर किया है। ठीक है, अगर इसमें आफ्टर टॉस कुछ भी चेंज आएगा, कुछ भी अपडेट आता है, तो उसका फाइनल अपडेट, फाइनल टीम आपको हम अपने टेलीग्राम पे ही देते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट बॉक्स में है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। लाइनअप के बाद वहां हम आपको फ्री टीम देते हैं, एक दिन दो दिन खेलिए, हमारी टीम से अगर पसंद ना आए तो मत खेलिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमको जहां तक पता है, विश्वास है, हम ऐसा टीम देते हैं कि आप खेलवे करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और एक बात कि अगर आप फैंटेसी एप्लीकेशन से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं कमा पाते हैं, तो आपके लिए हमने एक एप्लीकेशन लाया है, जिसको आपको जाके हमारे टेलीग्राम पे ही जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें 9000 प्लस गेम है, उसमें क्या होगा, एक मिनट का वहां हम वीडियो भी बना के रखें कि आप कैसे उसमें साइन अप कर सकते हो अपना, और हमारा जो रेफरल कोड है class500 उसको आप उसमें यूज करोगे तो आपको 500 का कैश बोनस मिलेगा। आप जाओगे, आप साइन अप करोगे अपना, फर्स्ट बार जब उसमें आप पैसा खेलने के लिए डालोगे, उसमें जीतना बहुत आसान है, आप जीत जाओगे। उसके बाद जब आप डिपॉजिट करोगे अपने अकाउंट में, मतलब विड्रॉल करोगे, तो उस समय आपको 500 रुपए का कैश बोनस होगा। लेकिन हाँ, आपको हमारा रेफरल कोड class500 यूज करना होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे हमने ऑलरेडी डाल के रखा है, जाके चेक कर सकते हैं मन होगा तो। चलिए अब बात करते हैं फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन इस टीम में कौन होने वाला है, टीम नंबर वन में। तो कैप्टन हमारा जो है गायकवाड़ ही रहेगा, गायकवाड़ को ही सेफ रखना कैप्टन, और आप बहुत लोग चाहेंगे तो यहाँ पर रवि बिश्नोई या फिर बुमराह के साथ बहुत लोग जा रहे हैं कैप्टन में। ठीक है, तो वाइस कैप्टन किसको रखा जाए, वाइस कैप्टन हमारा रिस्की प्लेयर जोशुआ लिटिल है, जो कि लगातार पिछले मैच से फ्लॉप हो रहा है, और यहाँ पर कैंपर है हमारा अच्छा ऑप्शन में, अगर देखा जाए 4% है कम सिलेक्शन परसेंटेज में, तो हम यहाँ पर कैंपर को जो है वाइस कैप्टन रख दे रहे हैं, चाहे जोशुआ लिटिल, दोनों में आप किसी को रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर कैंपर को वाइस कैप्टन रख दे रहे हैं, 4% है, और गायकवाड़ को कैप्टन, क्योंकि इसका भी पिछला मैचों से उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, अगर कल के मैच में यह चल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लेयर के ऊपर देखिए रिस्क लेना पड़ता है, बिना रिस्क लिए आप जीएल
नहीं जीत पाओगे, बाकी आपकी मर्जी है। आप चाहो तो यहाँ पर बुमराह के साथ रवि बिश्नोई मैकार्थी बहुत सारे सेफ ऑप्शन है, हम इस पर रिस्क लेके जा रहे हैं, आप चाहो तो सेफ प्लेयर के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से फाइनल टीम देखिए बन के यहाँ पर रेडी हो गया है। तो यह टीम नंबर वन है, बाकी अगर आपको एक से ज्यादा टीम चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम पे वह भी देते हैं, तो जाइए ज्वाइन करके रखिएगा। तो दोस्तों फिलहाल यहीं तक रहेगा अपना वीडियो, तो मिलते हैं आपसे भी से अपने अगले वीडियो में।